अगर हम बात करें अच्छे से और आराम से, तो हेडिंग डाल लो, हम लोग कर रहे हैं इंडाइसेस एंड सर्ट्स। इंडाइसेस एंड सर्ट्स, कुछ फॉर्मूले जो फटफट पता होने की आपको। एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन, क्या होता है आपके पास? एक्स की पावर एम प्लस एन, एक्स की पावर एम अपॉन में एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या रहता है आपके पास? एक्स की पावर एम माइनस एन। एक्स की पावर एम होल की पावर एन इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर एम इंटू एन। अगर लेके चलूं थोड़ा सा और आगे, ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं आपको अल्टीमेटली फॉलो करने। तो अगर आगे लेके चलूं तो एक्स की पावर एम अपॉन में वाई की पावर एम, ये पूरा होता है एक्स बाय वाई होल की पावर एम। अगर मैं बात करूं आपसे एक्स की पावर माइनस एन का मतलब होता है वन अपॉन में एक्स की पावर एन, मतलब और ऐसे पकड़ हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं ए बाय बी की पावर माइनस एन लिखा हुआ है, तो आप उसको बी बाय ए की पावर एन लिख सकते हैं। तो अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ बात तो खैर अच्छी है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना, जब भी आपके यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, एक्स की पावर ये रूट में जो भी एन है इज इक्वल टू रहता है एक्स की पावर वन बाय एन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ टू, तो उसको आप लिख सकते हो टू की पावर वन बाय फाइव। टू की पावर कितना? वन बाय फाइव। अगर आपको दिखा हुआ है ऐसा फोर्थ रूट ऑफ थ्री, तो यू कैन राइट दिस इज थ्री की पावर वन बाय फोर। सर अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ बातें तो खैर अच्छी हैं और सिस्टमेटिक भी हैं। अगर मैं बात करूं, अगला रूल ये है, ये ध्यान रखना सबसे आईएमपी प्रॉपर्टी। सर कैसी प्रॉपर्टी? अगर आपको गिवन है ना ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, और आपको पावर को यहां से यहां पे शिफ्ट करना, तो वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी की पावर वन बाय एक्स। तो जब पावर यहां से वहां शिफ्ट होती है तो पावर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। अगर पावर यहां से वहां शिफ्ट होती है तो पावर, अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें, तो पावर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। चलो सर इसी बात पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैंने बोला हाँ कुछ क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए इस पे, तो करना शुरू करते हैं अपन अच्छे से क्वेश्चंस कि किस गली जाएंगे हम और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, 128 की पावर टी बाय से, 128 की पावर टी बाय से। अभी सर अगर अपन 128 को देखें तो 128 को 2 से करा जाए तो ये 64, फिर 2 से करा जाए तो ये 32, फिर 2 से करा जाए तो 16, फिर 2 से करा जाए तो 8, 2, 4, देन अगेन। सर कहीं ना कहीं इन सारे 2 को काउंट करोगे ये 7 आए। इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 7, और होल की पावर क्या है? 3 बाय 7। जब एक ब्रैकेट के साथ दूसरा ब्रैकेट होता है, अगर ये एम होता है और ये क्या होता है? एन। तो एज पर आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होता है? एम इंटू एन। सर बात तो सही बोल रहे हो, मैंने बोला हाँ बात तो कहीं ना कहीं सही है, बात कहीं ना कहीं सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 7 इंटू कितना? 3 बाय 7। 7 से 7 गेट कैंसल, इट वुड बी जस्ट 2 का क्यूब एंड दैट वुड बी वॉट? तो सर ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ ऐसे कोई बुरा क्वेश्चन नहीं था, गुड क्वेश्चन था। सर अगला कैसा क्वेश्चन दोगे आप? मैंने बोला अगला कुछ क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि आपको निकालना है, अगर अपन लेके चले और अच्छे से लेके चले। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ √9 to the power -3। सर देखो इज्जत से बात करूं तो √9 की वैल्यू क्या होगी? 3। अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 ना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो आप इसको √9 है मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर।
अगर कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे क्या है, टू, ठीक है ना, चाहो कैसा भी लिख सकते। तो वैसे तो रूट नाइन होता ही कितना है, थ्री, और थ्री की पावर माइनस, पावर माइनस है पसंद नहीं आ रही है, तो अगर पावर माइनस है पसंद नहीं आ रही है तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो हो जाएगा वन अपॉन थ्री की पावर कितना, थ्री, इट वुड बी वन अपॉन वॉट, 27, इट वुड बी वन अपॉन 27, ठीक है क्या। मैंने बोला हाँ मुझे तो अच्छा लगा, अगर आप लोग भी अलाउ करें तो आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन कैसा, अब आपकी खिदमत में क्वेश्चन ले रहा हूं, अंडर रूट ऑफ 32 की पावर माइनस 3 और यहाँ पे पावर 5, सर इसका अर्थात क्या। मैंने बोला यार चल देखते हैं इसका मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले मुझे इतना जरूर पता था कि जब ये अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर एन होता है तो इसको लिखने का तरीका होता है एक्स की पावर वन बाय एन, ये अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 32 की पावर कितना माइनस 3 होल की पावर कितना 1/5। सर अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ अच्छी बात है। इवन 32 को अगर तुम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करो, 2 से 16 आएगा, फिर 2 से 8 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, तो सर ये क्या आ रहा है, 2 की पावर कितना 5, तो अगर अपन बात करें दिस वुड बी 2 की पावर 5 होल की पावर कितना, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हो जाएगा माइनस 3/5। सर फिर ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मैंने बोला हाँ ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 की पावर 5 इंटू माइनस 3/5 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर माइनस 3, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 2 की पावर माइनस 3 है, तो अगर इनका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, मैंने बोला हाँ रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना 2 का क्यूब, द आंसर वुड बी व्हाट, 1/8। सर ठीक है अच्छा है, सर व्हाट नेक्स्ट। मैंने बोला यार एक क्वेश्चन है, अगर दिल के करीब है, अगर आप सॉल्व करके दिखा पाए तो मजा आएगा। सर कैसा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 27 की पावर माइनस, ट्राई करो सॉल्व करो। चले दोस्तों अगर इसके बारे में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले देखो यार कि जो है ना अपन इसको ऐसा लिख लें क्या, 1 अपॉन में 27 की पावर माइनस 5 होल की पावर कितना 1/3 ना, ठीक है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सर ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 27 की पावर कितना माइनस 5/3, ये भी ठीक है सर। अभी सर इसके माइनस को हटाना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, 27 की पावर कितना शायद 3/5, मतलब माइनस 5/3 लिखा हुआ था, तो अगर आप अलाउ करो तो या तो इसको मैं एक लेवल और लेके चलूं कि कहीं ना कहीं इसको अपन 1 अपॉन में 3 का क्यूब लिख ले, होल की पावर कितना माइनस 5/3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, ये कितना आ गया 1 अपॉन में 3 की पावर कितना माइनस 5, रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, एंड 3 की पावर 5 इज 243। तो क्या सर इसका आंसर ऐसे आएगा, मैंने बोला हाँ आंसर तो ऐसे ही है, अच्छा क्वेश्चन किया। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कुछ ऐसा, देखिएगा जरा समझने की भी कोशिश करेंगे और करने की भी कोशिश करेंगे। 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 is equal to 1250, find x। अगर मैं 1250 के बारे में बात करूं तो 2 625, then 25, then अगर बोलूं 5, then 1। सर पता नहीं क्यों 2 की पावर x माइनस 7 into 5 की पावर x माइनस 4 दिख रही है 2 इंटू 5 की पावर 4, 2 इंटू कितना 5 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना 1,
तो 2 से 2 गेट कैंसिल. इन शॉर्ट x माइनस 7 इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू कितना, 8. सर अगर अपन ये बात करें कि 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 4. नाउ x इज इक्वल टू व्हाट, 8. तो सर यहाँ से भी x एट आ रहा है, वहां से भी x एट, तो क्या सर यही आंसर है? मैंने बोला हाँ आंसर तो यही है. क्वेश्चन तो अच्छा था, मैंने बोला हाँ अच्छा था. अगर आप लोग देखना चाहो और अच्छे से देखना चाहो आगे की बात करें तो क्वेश्चन कैसा है, 27 की पावर x इज इक्वल टू 9/3 की पावर x, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड x. तो सर क्या इसको आप और मैं ट्राई करें, तो क्या 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और होल की पावर x इनटू, ये चला गया इधर, तो इनटू कितना, 3 की पावर कितना x इज इक्वल टू कितना, 9. तो 3 की पावर 3x इनटू 3 की पावर x is equal to कितना, 9. सर ये भी अच्छा है, मैंने बोला हाँ अच्छा तो है. अगर आप आगे की बात करो तो कहीं ना कहीं 3 की पावर 3x plus x की मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, एड, तो 3 की पावर 4x is equal to कितना हो जाएगा. अगर अपन बात चले तो हमारे पास कहीं ना कहीं वो 3 का स्क्वायर हो जाए, 3 की पावर 4x is equal to 3 का स्क्वायर, 4x is equal to कितना, 2, x is equal to कितना हो जाए. सर अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छा ही लगा दोस्तों. अगर आप लोग बात करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 की पावर n प्लस 5 की पावर n माइनस 1 दिस होल अपॉन में 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 5 की पावर, इसकी वैल्यू क्या हो. पता नहीं क्यों बचपन से सिखाया है, समझो आप कुछ भी मान लो, अगर आपको सीखना भी हो ना इस क्वेश्चन में, तो आप लेट से n इज इक्वल टू आप मान लो 2, कुछ भी मान लो, वैसे 1 भी मान सकते हो, बट आप n इज इक्वल टू 2 मान लो, इसका मतलब चल क्या रहा है, 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 माइनस 1 दिस होल अपॉन में 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 5 की पावर कितना. सर आप खुद बताओ कि यहां से 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1, कॉमन क्या निकलेगा, 1 की 2 1, खुद सोचो जो पावर छोटी होती कॉमन निकल जाती, तो n और n माइनस 1 में तो छोटा क्या, n माइनस 1, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 की पावर n माइनस 1 अपन कॉमन ले लेते, तो ब्रैकेट में यहाँ इसमें से अगर बोलूं तो ये 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 हुआ ना, 5 की पावर 1 कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में क्या, 5 प्लस 1. अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 5 प्लस 1. अच्छा ये यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है, 2, तो छोटा क्या है, 5 की पावर 2. मैं समझाना चाहता हूँ n प्लस 1 और n में छोटा क्या है, n, तो 5 की पावर n क्या रहेंगे, कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, ठीक है क्या. सर अच्छी बात है, तो सर चल क्या रहा है, और यहां से भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा, यहाँ पे 5 की पावर कितना है, 3, और ये 2 है, तो कॉमन लोगे तो 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में 5 माइनस 1. मेरे को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि ऊपर यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, और ये दोनों पावर कायम है डिवाइड में, तो क्या आपस में माइनस हो जाएंगे. तो इन शॉर्ट अगर यहां से करोगे तो क्या होगा, 5 की पावर n माइनस 1 माइनस n, क्यों माइनस n, ये n हो गया, ये n ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, इन टू 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6, 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4, 3 जा और ये कितना, 2 जा. सर क्वेश्चन खत्म होने पे है, मैंने बोला हाँ 5 की पावर माइनस 1 बची तो कहाँ पे आएगी, अपॉन में, 5 की पावर माइनस 1 मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में 5, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 3/10. जिस बच्चे को यहां से करना हो वो बच्चा यहां से भी कर सकता है, ये सोच के
कि ये वन था ये टू था तो ये कट के वन बच गया, तो बच्चा कितना होगा सिक्स अपॉन में फाइव इंटू कितना फोर, थ्री सा ये टू सा थ्री बाय टेन। जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है कमजोर है उनके लिए ये तरीका सही। एन को क्या मान लो टू मान, सर क्या हम एन को वन मान सकते हैं? हाँ एन को वन भी मान सकते हैं, ठीक है ना, तो वो मान सकते हैं। पहले एक बार कर लो यहाँ, चलें दोस्तों सर आगे की क्वेश्चंस दिखें कि सर कैसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। तो यार क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि आपसे उन्होंने पूछ लिया, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक्स की पावर ए इंटू कितना, अगर हम बात करें बी माइनस सी अपॉन में एक्स की पावर बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर ए होल की पावर सी। वैसे ऐसे क्वेश्चन करोगे कैसे, इसको लिख दो ए बी माइनस वॉट ए सी, इसको लिख दो क्या x की पावर बी ए माइनस बी सी, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना हो तो रेसिप्रोकल कर लो, वो जगह x की पावर a अपॉन में x की पावर b होल की पावर कितना c। सर ये भी सही है, मैंने बोला हाँ मतलब अच्छी बात ही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो और क्या चल रहा है, मैंने बोला देखो ये ए बी है और नीचे भी ए बी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ए बी से ए बी कट हो जाएगी, चाहो तो ऊपर जाके माइनस भी कर दो तो भी चलता है। इसका मतलब आप क्या चाह रहे हो, एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, मतलब नीचे की पावर ऊपर ले जाके माइनस इनटू यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी और बाहर क्या चल रहा है सी, इसको समझो तो ये ए बी से ए बी क्या होगा कैंसिल, माइनस ए सी प्लस कितना बी सी। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि ये x की पावर माइनस ए सी प्लस बी सी इंटू एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी, पर ए सी से ए सी गेट कैंसल, बी सी से बी सी गेट कैंसल, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा x की पावर जीरो विच इज इक्वल टू व्हाट वन, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज व्हाट, अगर एनीथिंग टू द पावर जीरो है तो वो हमेशा ही क्या रहेगा वन। सर ठीक है, मतलब अच्छा ही क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छा लगा ये क्वेश्चन, काफी काम का क्वेश्चन था। सर ठीक है, अब अगर अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करें कि और कैसी कैसी वैरायटी बन सकती है या क्या क्या चीजें बन सकती, तो बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन आता है इफ एक्स की पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू वाई की पावर, इफ एक्स की पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू वाई की पावर टू बाय थ्री इज इक्वल टू जेड की पावर, लेट्स से इज इक्वल टू जेड, लेट्स से। अब यहां पे आपसे पूछा था एक्सप्रेस एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। सर देखो ना आप समझो, वो पूरा आंसर जेड के फॉर्म में चाहते हैं, हमने बोला ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्स की पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू कितना है जेड, तो बताओ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, पावर जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाती, तो पावर हो जाएगा z का क्यूब, क्योंकि आपने बोला यहाँ की पावर जब पत्ते जाती है तो पावर क्या आती है रेसिप्रोकल हो जाती है। सर ठीक है अच्छी बात है, अब अगर बोलूं y की पावर 2 बाय 3 इज इक्वल टू कितना z, अगर अपन बात करें अच्छे से तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z की पावर कितना 3 बाय 2। अब आपसे पूछा है x y और z कितना कितना, सर x का मतलब है z क्यूब
वाई का मतलब है जेड की पावर 3/2 और जेड का मतलब तो जेड ही है। इन शॉर्ट इस पूरे का मीनिंग क्या हो जाए, इस पूरे का मीनिंग हो जाएगा जेड की पावर 3 + 3/2 + 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस। तो कहीं ना कहीं जेड अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू टू, यहाँ पे भी इंटू टू, तो कितना होगा 6 + 3 + 2 अपॉन भी कितना 2, इट कम्स आउट टू बी जेड की पावर 9/2, 11/2। देखो समझो फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लें तो 3a की पावर 2 की पावर a, 4 की पावर b, 8 की पावर c इज इक्वल टू कितना था, k था। तो अपन ने 2 की पावर a को क्या माना था, k, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया था, k की पावर बनता है। 4 की पावर b को क्या माना था, k, तो 4 क्या हो गया था, k की पावर 1/b। 8 की पावर c को क्या माना था, k, तो 8 क्या हो गया था, k की पावर 1/c। तो सर हमने अल्टीमेटली करा क्या था, जो 2 हो गया k की पावर 1/a, 4 क्या हो गया, k की पावर 1/b, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू k की पावर कितना, 1/b। तो ये 2 है उसको भेज दिया इस तरफ, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, k की पावर 1/2b। सर ये भी सही है, k की पावर 1/2 कितना आ गया था, वो 2b। अब 2 की अपने आप में वैल्यू क्या थी, अगर अपन ले चले सर, 2 की वैल्यू ड्राइव हुई थी यहां से, ये 2 की वैल्यू डिराइव हुई थी कहां से, यहां से, तो k की पावर 1/a इज इक्वल टू k की पावर 1/2b। सर अच्छी बात है, तो इन शॉर्ट अपना इसको 1/a इज इक्वल टू 1/2b हो गया था, 2b इज इक्वल टू क्या हो गया, a। सेम चीज अपन ने यहां से करी, 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब। सर अच्छी बात है, 8 को आपने क्या लिखा, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब इज इक्वल टू k की पावर 1/c, गॉट इट। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, k की पावर 1/3c। तो 1/a इज इक्वल टू आपके पास आ गया था 1/3c, मतलब 3c इज इक्वल टू कितना, a। फिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं a इंटू बी इंटू सी को आपने 288 माना, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और आपने b को लिखा कितना, a बाय 2, और सी को क्या लिखा, a बाय 3। तो यहां से सॉल्व होके आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर अपन चेक करें तो 288, तो यहाँ का 6 गया ऊपर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12, एंड देन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। अगर सर अपन अगले वाले क्वेश्चन पे चलें सिस्टमेटिकली, तो सर इन सब में भी आपको मानना क्या है, इज इक्वल टू कितना, के। तो सर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/x, बी इज इक्वल टू अगर अपन इससे इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, के की पावर 1/y, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/z। और आपको बोला क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए सी। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का मतलब ही क्या है आपके पास, के की पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए सी। तो सर ए का मतलब क्या, के की पावर 1/x इंटू के की पावर कितना, 1/z। सर अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। सर k से k अगर कैंसिल करें तो कहीं ना कहीं आ रहा है 2y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो सर ये भी अच्छी बात है। तो सिस्टमेटिक अगर देखें तो आपको बहुत प्रैक्टिकली बता दूं कि AP का रूल क्या होता है, GP का रूल क्या होता है, और अगर अपन बात करें एचपी का रूल, अगर मैं आपको बता दूं, अगर एक्स वाई और जेड 3 नंबर है और अगर ये एपी में है तो जो बीच वाली टर्म है इसका रूल होना चाहिए 2y शुड बी इक्वल टू व्हाट, x प्लस z। दिस इज द रूल फॉर एपी, वो अपन ने एपी वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो ध्यान रखिएगा आपके पास रूल होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। सर क्या ये जीपी का ब्रह्म वाक्य है, अगर एक्स वाई जेड एचपी में है तो एचपी में है अगर ये,
तो आना चाहिए 2 × 1/y इज इक्वल टू 1/x + 1/ में कितना सेट दैट कम्स आउट टू बी 2/y इज इक्वल टू 1/x + 1/z। क्या बात है यार सर, मैंने बोला तो ये कायम है। देखो समझो फिर समझ के जवाब।